सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस किया था, हमने देखा था कि क्या क्या सिचुएशंस जो हैं थी जिनकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया गया। दो उसमें आपके आइडियाज़ रहते हैं, आइडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स कि वो क्यों कह रहे हैं कि हमें पार्टीशन करना है, एंड इंडियंस ने उसके रिएक्शन में क्या कहा कि इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया, वो चीज़ हमने डिस्कस करी। कब हुआ, कैसे हुआ, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए गाइज, हमने एक चीज़ को नोटिस किया यहाँ पर, वो चीज़ ये है, नोट करने वाली भी है कि 1885 से लेकर 1905 तक हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। INC जो है, या ये भी छोड़ देते चले, इसको भी हम ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से भी आपको अगर मैं बता दूँ तो INC क्यों बना था। अगर मैं बोलूँ आपको INC 1885 में बना था, क्यों बना था, INC बनने के पीछे का रीज़न ये था कि वो ब्रिटिशर से अपनी शर्तें मनवाएं जो भी इनको चाहिए था। जैसे हमने मॉडरेट फेज़ को डिस्कस किया था, हमने मॉडरेट फेज़ में देखा था कि मॉडरेट्स को क्या चाहिए, हमने उसके बाद देखा कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आया, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी जो है उनकी भी डिमांड्स को हमने पढ़ा था। नाउ अब अगर हम देखें कि 1885 में कांग्रेस बनती है और 1905 तक जो है सबका जो सिस्टम ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर, यहाँ से आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिशर जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन ऑफ कांग्रेस का जो है वो कहता है कि भाई साहब, आप लोगों का बनने के पीछे का रीज़न ये था कि आपको जो है ब्रिटिशर से अपनी शर्तें मनवानी थी, बावजूद उसके आप लोग कुछ नहीं कर पाए, और देखिए ब्रिटिशर्स ने कितना बड़ा जो है वो फैसला लिया और उन्होंने बंगाल का विभाजन जो है वो कर दिया। और यहाँ से आगे का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल मूवमेंट्स अब जो हैं वो थोड़ा जोर पकड़ना स्टार्ट करें, और हमारा जो पहला प्रोटेस्ट इंडिया में शुरू हुआ, ठीक है, जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अब तक के जो जो मूवमेंट है उनमें से सबसे बड़ा जो आपका स्टार्ट पॉइंट जो होगा वो यही होगा, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। बेसिकली आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था, तो ये बेसिकली क्या था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट था। हम इंडियंस पार्टीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको चलाया था। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हमने कहा था कि हम लोग अपनी क्या है, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बात करेंगे। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम अपने लोगों को जो है वो डेवलपमेंट करवाएंगे, हम अपने लोगों के इंडस्ट्रीज़ को जो है बिल्ड करने की बात कर रहे थे, और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे कि इंडियन इकॉनमी जो है वो किस तरीके से डूब रही है, उसके क्या रीज़न है डूबने के। ये सारे की सारी चीज़ें हमने उस वीडियो थोड़ी सी पहले भी डिस्कस करी थी। नाउ आज हम लोग छोटा छोटा करके इसके बारे में सब देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे गाइस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की चीज़। हालांकि स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से ही जानते हो, बिकॉज लास्ट वीडियो में भी इनका कहीं ना कहीं इसका जो है आप समझ सकते हो कि इसका मैंने जिक्र किया ही था, आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था। देखिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है 1905 से लेकर 1911 तक, ये तकरीबन 6 साल चलने वाला एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था इंडिया के अंदर, जो किस चीज़ के लिए चला रहा है, इसको आप कह सकते हो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी ये। हम लोग मूवमेंट से खुश नहीं थे, आई मीन टू से पार्टीशन से खुश नहीं थे, हमने इसके ऑपोजिशन में इंडिया में क्या चलवाया था, स्वदेशी मूवमेंट। याद रखना, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में क्यों चलाया जा रहा था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। देखिए स्वदेशी मूवमेंट एज्यूम्ड हिज रेडिकल एंड मास फ्रॉम द 1905 फॉलोइंग द कंटेस्टेड स्पेशल पार्टीशन ऑफ द बंगाल। क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि 1905 के टाइम पर जो ब्रिटिशर्स की तरफ से हम इंडियंस को गिफ्ट दिया गया, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल,
है, जो हम नहीं चाहते थे तब भी उन्होंने जो है इसको करवा दिया, तो हम कैसे इंडियंस चुप रहते। हमने इसकी ऑपोजिशन में, पार्टीशन ऑफ बंगाल की ऑपोजिशन में, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में छेड़ दिया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पर 1907 में स्वदेशी जो है, स्वदेशी वॉज ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड विद इन द कंसेप्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अवॉइडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वदेशी स्वराज। क्या कह रहा है कि 1907 का टाइम था, 1907 से ही हम लोगों ने, आज देखो INC, इससे पहले कभी आपने सुना कि INC को क्या चाहिए था? INC को सिंपल क्या था, नेशनल एजुकेशन प्रमोट करो, लेजिस्लेटिव असेंबली को बढ़ाओ, फलानी चीज़ करो, छोटी छोटी उनकी डिमांड, बिल्कुल छोटी छोटी डिमांड थी। लेकिन 1907 के टाइम के बाद हम लोग जो हैं अब थोड़े से एक्टिव हो गए, क्योंकि हमें पता चल गया था कि हम जितनी भी ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल्टी शो करें वो हमें अपने बराबरी का नहीं समझते हैं और ना ही वो हमें, वो हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसलिए हम लोगों ने स्वदेशी और जैसी चीज़ों को जो है अपने आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में बनना स्टार्ट कर दिया। देखिए गाइस, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो इंस्टीट्यूशन कुछ आइडियाज़ के बेस पर चलता है, प्रिंसिपल्स के बेस पर चलता है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपनी आइडियोलॉजी में, अपने प्रिंसिपल्स में INC ने इस चीज को डाल दिया था कि अब के बाद हम लोग स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। स्वदेशी का मतलब होता है अपने लोगों की बनाए हुए प्रोडक्ट्स का हम यूज करेंगे और ब्रिटिशर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का हम लोग बायकॉट करेंगे। देखिए यहाँ पर, ऑल्दो दिस वॉज रिकॉर्डेड एज अ कल्चरल मूवमेंट सेलिब्रेटिंग द रिच हार्वेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, द रिच ट्रेडिशन लाइक फोक म्यूजिक, पेंटिंग, कल्चर ऑफ बंगाल वॉज हाईलाइटेड, बट वेरी सून इट गॉट इंटीग्रेटेड विद द पोलिटिकल अपहील्स दैट फॉलोड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या कहता है कि स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें, देखो स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें या जो भी हमारा जो भी चल रहा था इंडिया में, तो ये बेसिकली बहुत पहले से ये चीज़ चल रही थी, या हम लोग क्या हैं जो इंडियंस हैं मोस्टली किस चीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, हम इंडियन कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, हम इंडियन मतलब लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है वो कितना रिच था हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनको अपने फोक म्यूज़िक के बारे में बता रहे हैं, पेंटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, ऑल दैट। लेकिन जल्द ही, जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इस मूवमेंट ने जो पहले कहीं कुछ और काम कर रही थी, सडनली इसने अपना जो फोकस था उसको बदल कर जो है वो कुछ ही और फोकस की तरफ ये चल पड़े, और इन्होंने जो है यहाँ से अब जो है वो स्वदेशी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, अगर हम लोग एनिशियंट टाइम पर इतने रिच हो सकते थे, अगर हम इतने, हमारा रिच हेरिटेज था, रिच कल्चर था, तो उसके पीछे हम लोग जो है, हमारी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग थी और हम लोग अपनी इकॉनमी को प्रमोट करने की जो है वो बात करेंगे। कृष्ण कुमार मित्र इन हिज न्यूज़पेपर संजीवनी हाईलाइटेड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्वदेशी। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा लिखा जाता था, के मित्रा कहा जाता है इनको, इनके द्वारा लिखा जाता है संजीवनी, याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संजीवनी न्यूज़पेपर जो है ये कौन लिखते थे, तो ये लिखते थे के मित्रा या कृष्ण कुमार मित्रा जो है इसको लिखा करते थे, जो जिसने हाईलाइट किया था द प्रोस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन, कि हमारे लिए नेशनल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और हम लोग इकोनॉमिक स्वदेशी, और ये साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक स्वदेशी क्या चीज़ है। तो देखो ये चीजें, या ये भी आप कह सकते हो कि फर्स्ट पर्सन जिसने स्वदेशी जैसे आइडिया को प्रमोट किया, जिसने स्वदेशी मूवमेंट जो है, स्वदेशी कंसेप्ट को सबको समझाया, या किस न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिखा गया था, दैट वाज संजीवनी के मित्रा, यह याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। After the partition of Bengal, Bengal की partition होने के बाद स्वदेशी movement got a big boost. देखिए स्वदेशी movement को एकदम से boost मिल गया। हालांकि स्वदेशी movement पहले सिर्फ Indian culture, heritage वगैरह पे काम कर रही है, उसके history पे काम कर रही है, लेकिन जैसे ही partition of Bengal हुआ, इसको एकदम से boost मिल गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ already बहुत सारे masses या लोग जो हैं वो जुड़ चुके थे, और उन लोगों के विश्वास को जो है इस मूवमेंट ने सर अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है, जो हुआ है इंडिया में वो रियल वेस में बिल्कुल गलत चीज़ हुई है,
पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होना चाहिए था। पार्टीशन ऑफ बंगाल सीधा सीधा इंडियन मदर लैंड को इन्होंने जो है कहीं ना कहीं उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, उसको जो है बांट कर जो है उसकी बेइज्जती की है और हमारे सेंटिमेंट्स को जो है वो हर्ट किया हुआ है। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि नहीं, अंग्रेज़ों के साथ नहीं रहना है। इन्होंने जो है उनको उनकी जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको वीक करने का सोचा। कैसे? कि हम इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जिससे सारा पैसा हमारे लोगों के पास जाएगा, वो जो है डेवलप हो जाएंगे, इनको हम लोग अंडर डेवलप करेंगे। बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट आइडिया था, लेकिन ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। इस सक्सेस क्यों नहीं होगा ये भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तिलक की अगर हम बात करें तो तिलक ने इसको कहा था, दैट इज भिष्कर योगा का नाम इन्होंने इसको दिया था, द मोस्ट ऑफ द बंगाली इंटेलिजेंसिया दैट वॉज इनिशियली नॉट इन फेवर ऑफ बाइकॉट मूवमेंट गॉट इंटीग्रेटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट। बहुत सारे लोग जो हैं जो इनिशियली बहुत सारे बंगाली लोग जो थे मोस्टली जो जिनका ये मानना था शुरू शुरू में, वो यही मान रहे थे कि हम लोग बाइकॉट मूवमेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट सपेट जो है वो जरूर करेंगे। दिस वॉज प्राइमली लर्निंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, इट वॉज ट्रेनिंग इन सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस। देखिए अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो है क्या चीज़। तो इन्होंने कहा कि स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट जो इंडिया में हम चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं ताकि जो सब लोग हैं इंडिया में या जितने भी हमारे लोग हैं वो क्या कर जाएं, सेल्फ डिटर्मिनेशन को समझें, वो सेल्फ हेल्प करें खुद की और सेल्फ रिलायंस हो जाए। मतलब अगर हम इंडियंस ही हैं, अगर हम ब्रिटिशर्स अगर आज इतने पावरफुल हैं, अगर हम उनकी इकॉनमी को देखें तो उनकी इकॉनमी अगर इतनी वेल डेवलप्ड है तो वो क्यों है, क्योंकि ये हम पर रूल कर रहे हैं, हमको एज अ रिसोर्स यूज़ कर जो है ये सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़कर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो कहता क्यों ना हम इनको क्यों मौका दे रहे हैं, हम लोग खुद ही जो है अपने आप में जो है कम किसी से कम नहीं है। जब हम रिसोर्स तो हम अपने कंट्री के रिसोर्स को खुद यूज़ करना जानते हैं, हम उनको उससे ऐसा पैसे जनरेट करना है वो हम खुद करें तो हम अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, हम भी इनकी तरह जो है वो काफ़ी एडवांस या डेवलप्ड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया इन लोगों के द्वारा था। बेसिकली देखिए गाइज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आम जनता को समझाना बड़ा मुश्किल होता था इस टाइम पर, बिकॉज वी डोंट हैव मतलब जो है मास मीडिया हमारे पास इतना नहीं था जितना कि आज के टाइम पर। आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप क्विकली लर्न कर लेते हो, क्यों, क्योंकि आप फ़ोन चला रहे हो, आप मल्टीपल मीडिया के साथ जो है वो जुड़े हुए हो और कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ जो है वो सीखते हो। लेकिन ये वो टाइम था कि आपको अपने आइडिया को समझाते समझाते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। और कैसे आप लोगों को समझाओगे कि स्वदेशी क्या है, बाइकॉट क्या है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, शुरू शुरू में धीरे धीरे से हर कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि बाइकॉट क्या है, स्वदेशी क्या है, इसलिए ये मूवमेंट्स बड़ी स्लो होती थी। उसके बाद हम देखें तो इनिशियली द आइडिया ऑफ स्वदेश फिगर आउट इन द राइटिंग ऑफ अर्लियर नेशनलिस्ट सच एज दादा भाई नेहरू जी। इंडिया में सबसे पहले जिसने जो स्वदेशी वर्ड यूज़ किया है वो किया है दादा भाई नेहरू जी ने, जी रानाडे, बिपिन चंद्र पॉल, हु कम इन डिफेंस विद द नेशनल इकोनॉमी अगेंस्ट द कॉलोनियल इकोनॉमी। आपको याद होगा दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी मतलब जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का नाम दिया था, आप मुझे उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। हिंट के लिए मैं ये दे देता हूँ कि अनरेस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया कुछ ऐसा था, ठीक है। तो वो आपके लिए हिंट है और हिंट के पॉइंट पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके बुक का नाम ज़रूर लिखोगे कि उनके बुक का क्या नाम था, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी हमने उस पर MCQs भी करे थे। तो देखिए उन्होंने उस बुक में पहली बार स्वदेशी जैसी बातें की थी, उन्होंने कहा था कि स्वदेशी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप अपने लोगों को, मतलब स्वदेशी का मतलब होता है अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट, अपने देश का बनाया हुआ प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। आज प्रेजेंट टाइम पर इन 21st सेंचुरी में भी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो स्वदेशी को प्रमोट करने की बात कर रही है। आज मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लाया गया है, क्यों लाया गया है स्वदेशी। देखिए स्वदेशी का मतलब है कि अगर हम अपने देश में जो है अगर अच्छे से इकॉनमी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए।
सो दैट जो है जो भी पैसा होगा वो यहीं पर रहेगा, यहाँ के लोगों की जो है वो डेवलपमेंट होगी, हमें यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बात करनी चाहिए। तो देखिए ये एक आइडिया दादा भाई नेहरू जी ने अपनी बुक द ब्रिटिश रूल इन जो इंडिया में लिखी थी उन्होंने, उसमें ये ऑलरेडी जो है वो बता चुके हैं, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जैसा कंसेप्ट दिया, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडियन इकॉनमी जो है वो ख़त्म हो रही थी। देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सैड दैट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था कि इट इज़ अ प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट है ये, ठीक है, ये एक प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट है एंड इट्स जनरेट द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मासेस। यहाँ पर क्या बात हो रही है, इस मूवमेंट में प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट चलाई जा रही है, ना कि जिससे हम क्या करेंगे, अगर ये चीज़ अगर हमारी सफल हो जाती है, हम इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर इसमें हम लोग अच्छे से काम कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारे मासेस हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनका जो है वो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट हो जाएगा, वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगे वेरी सून, बहुत जल्द ही स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, जल्द ही ये स्वदेशी मूवमेंट जो बेसिकली पहले बंगाल में चल रहा था, अब इसकी जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे या इसका जो सरकमफ्रेंस है वो बढ़ता गया, उसका रेडियस बढ़ता गया और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविनेंस, बॉम्बे एंड मद्रास जैसे एरिया तक जो है वो फैल गया, जहाँ पर हर लोगों ने जो है स्वदेशी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, बॉनफायर्स किए जाने लगे कि नहीं ब्रिटिशर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का हम लोग सही दिल से बहिष्कार करते हैं। आगे देखते हैं तो प्रॉब्लम्स आ गई स्वदेशी मूवमेंट के साथ, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो सफल नहीं हो पाई। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ब्रिटिशर्स को लग गया था कि यहाँ पर हमें मूवमेंट्स को तो रोकना चाहिए। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, ये ठीक है एरिया है, तो इन्होंने इस एरिया को क्या करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने मुस्लिम्स को जो है वो कहा कि आपको जो भी चाहिए, देखिए इन्होंने मुस्लिम्स को गुमराह करना स्टार्ट कर दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना यहाँ पर शुरू हो गए। ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखिए इंडियंस जो हैं वो स्वदेशी स्टार्ट कर गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कर रही है, वो कर रही है, इवन देन के इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द ओनली पार्टी एट दैट टाइम हु स्पीक्स अबाउट पीपल, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर उनकी इमेज को इस तरीके से दिखाया कि ये पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हिंदूज़ के लिए डिमांड कर रही है, तो वट अबाउट द मुस्लिम्स, तुम लोग मिनॉरिटी में हो इंडिया के अंदर, तुमको क्या लगता है कि अगर जो मतलब तुम्हारी कुछ डिमांड्स नहीं होनी चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये सब जब बातें हो रही हैं तो मुस्लिम्स कम्युनिटी को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ बिल्कुल हम मिनॉरिटी में हैं और यहाँ पर मिनॉरिटीज़ की सुनवाई सही से नहीं हो रही है, तो क्यों ना हम लोग भी INC जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर फॉर्म करें, और फिर उन्होंने 1907 में बनाई दैट इज़ मुस्लिम लीग, ठीक है। सो मुस्लिम लीग की जो है वो स्थापना की जाती है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बट द प्रॉब्लम जो है 1907 में नहीं बनी थी मुस्लिम लीग, 1906 में बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द प्रॉब्लम विद द स्वदेशी मूवमेंट वॉज दैट, देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्वदेशी मूवमेंट के साथ चल रही थी वो क्या थी, दैट इट वॉज नॉट प्रॉपरली डाइसेक्टेड एंड फेल टू यूनाइट द यूनियन हिंदू एंड मुस्लिम। और यहाँ पर ये लोग समझा, मैंने आपको पहले बताया ना कि इतना आसान काम नहीं था लोगों को समझाना दैट स्वदेशी और बायकॉट के अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग इतने जो है वेल इन्फ्लुएंशियल नहीं बन पाए, और जिसकी वजह से ये हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट भी नहीं कर पाए, और जिसके चलते क्या हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो जो है नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जो है इन्होंने मुस्लिम लीग को बना दिया, किस लिए कि इनको लगा कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं और माइनॉरिटीज़ की सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बने। द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल बिकम द इशू ऑफ टू सीक पॉलिटिकल माइलेज फॉर द मुस्लिम। और ये जैसे ही मुस्लिम लीग बनी तो मुस्लिम लीग की पहली डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो भाई हम सबको रिप्रेजेंटेशन दे दो। हालांकि ये चीज़ इस टाइम पर मांगने वाली नहीं थी, इस टाइम हम लोग चाहते थे कि हम लोग यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ें, लेकिन माइनॉरिटी ग्रुप को इशू थे कुछ, जिनको वो अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते थे, अपने आप को प्रोटेक्शन देना चाहते थे इंडिया के अंदर। सो इन्होंने क्या कर दिया, मतलब माइनॉरिटी ग्रुप ने अंडर द यू नो शैडो ऑफ मुस्लिम लीग दे डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब देखिए एक मोमेंट है जो मतलब मैं ब्रिटिशर हूँ और मेरे सामने लोग हैं
जो पहले तो सब होकर मेरे साथ लड़ रहे थे, मैंने पहले तो उनको डिवाइड किया। अब मैंने देखा कि भाई साहब एक सेक्शन जो है वो डिमांड कर रही है कि स्वदेशी करो, ये करो, जिससे मुझे नुकसान है। स्वदेशी को अगर मैं प्रमोट करूँगा तो मेरा नुकसान है, जबकि दूसरा ग्रुप मेरे से सिंपल डिमांड कर रहा है कि उनको क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। मान दो मुस्लिम्स को मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी, मैंने मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो मुस्लिम कम्युनिटी एकदम से शांत भोड़ जाएगी, क्योंकि वो मेरे से कोई उन मेरा जो वो मेरे लिए थ्रेट थे, मैंने अपनी थ्रेट को डाउन कर दिया। तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की चिल्लाती क्यों न रहे, मेरे को उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, जबकि मैंने आधे से ज़्यादा लोगों को शांत कर दिया। तो यही चीज़ जो है वो चली यहाँ पर। ब्रिटिशर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को जो है कि आपको क्या चाहिए, आप डिमांड करो। तो इन लोगों ने मुस्लिम लीग फॉर्म करके क्या बना दिया, क्या कहना स्टार्ट कर दिया कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी इन्होंने, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, दस द स्वदेशी मूवमेंट लैक्ड हैविंग अ लार्ज मास बेस। जब ये चीज हो गई तो इन्होंने उनको दे भी दिया, ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट की परमिशन भी दे दी, कहा कि ठीक है हम आपको देंगे। जब ये चीज दे दी तो स्वदेशी मूवमेंट जो है, जिसको काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी उस टाइम पर, ताकि वो एक लार्ज मास बेस मूवमेंट बन सके, वो बनने से वो रहते रहते रह गई। और ये मूवमेंट कुछ ही पॉइंट पर जो है वो सक्सेसफुल रही, और आगे चलकर थोड़ी ही देर में इसकी जो सक्सेस थी वो जल्द ही जो है ये अनसक्सेसफुल साबित होती हमें दिखाई दे रही है। द ग्रीवनेंसेस ऑफ द पीजेंट्स वर नॉट एट ऑल टेकन इन टू कंसिडरेशन। देखिए यहाँ पर पीजेंट्स को जो है उनको भी इसमें जो है मतलब उनकी जो ग्रीवनेंसेस थी, जो उनकी मुसीबतें थी, जो वो जिस चीज़ से वो परेशान थे, वो भी यहाँ पर जो है नहीं ली गई। एक्चुअली में स्वदेशी मूवमेंट लोग जो हैं, देखिए अगर हम इस टाइम की बात करें ना, तो एक चीज़ आप अपने माइंड में याद रख लेना कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट करते थे ना, उस मूवमेंट का इंडियंस के लिए अलग अलग मतलब था। कोई कहता था कि आपने हमारी बात नहीं की, यहाँ मुस्लिम कह रहे हैं आप हमने हमारी बात नहीं करते हो, दलित कहेंगे हमारी बात नहीं कर रहे हो, पीजेंट्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ओवरऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात हो रही थी कि हमें ओवरऑल क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पर्सनल पॉइंट जो है वो आना स्टार्ट हो गए थे, कि लोगों को यही पर्सनली ये लग रहा था कि नहीं हम पर्सनली हमें इससे जुड़ कर क्या फ़ायदा होगा, अगर हम स्वदेशी या बायकॉट जैसी मूवमेंट में जुड़ भी जाते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा उसमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इन्होंने ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसने मुस्लिम्स को सब मतलब नहीं दे पाई, ये अपने साथ नहीं रख पाए, तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड आ गई, उनको वो भी दे दिया। यहाँ पीजेंट्स को भी जो है इन्होंने सेल्फ ने कंसिडरेशन में नहीं लिया, और ऐसी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, राइट ऑफ द टेनेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ द लैंड ग्रैबिंग वर टेकन अप बाय द स्वदेशी मूवमेंट, एंड दस द पीजेंट्स डिड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। अभी भी देखिए पीजेंट्स को ऐसा लग रहा था कि क्या फ़ायदा ऐसी मूवमेंट के साथ जुड़ने का, स्वदेशी मूवमेंट के साथ जुड़ने का, जो हम लोगों को प्रोटेक्शन दे भी नहीं सकती है। ये INC बात करती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लगातार गरीबों की ज़मीनें उनसे छीन ली जा रही हैं, जिस तरीके से लगातार टैक्सेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से लगातार जो सेक्शन एक सोसाइटी की हायर सेक्शन, वो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को गरीब लोगों का खून लगातार चूस रही है, तो कहता क्या फ़ायदा ऐसी मूवमेंट के साथ जुड़ने का। इसलिए पीजेंट्स भी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने। तो देखिए मुस्लिम्स भी नहीं बने, पीजेंट्स भी नहीं बने, तो अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो कुछ पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप था, अब उनकी ये मूवमेंट बनकर रह गई। अब वो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं पूरे सोसाइटी के लिए कि हम पूरी सोसाइटी की तरफ से ब्रिटिशर से डिमांड करते, तो ब्रिटिशर उनको सीरियसली नहीं लेंगे, कहेंगे भाई साहब तुम बोलो, हमें पता हमें क्या करना है। सपोर्ट नहीं थी ना, अगर उस टाइम पर सपोर्ट इनके पास होती तो ये कब का देश को उसी टाइम पर आज़ाद करा गए होते। बट ओवरऑल द पीरियड ऑफ 1903 से लेकर 1908 पार्टीशन ऑफ बंगाल सर्व एज द कैटलिस्ट फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन अगर हम बात करें 1903 से लेकर 1908 तक, तो ऐसा भी नहीं है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ने जो है कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट को जो है बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। उसके बाद हम देखते हैं गाइस के अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट पार्टीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। मुस्लिम लीग क्या थी और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनी थी मुस्लिम लीग। तो देखिए दिसंबर 30th की बात है, 30th दिसंबर 1906 की बात है, 1906 में मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, द नवाब ऑफ ढाका एंड
नवाब मोहसिन उल मुल्क टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं इंडिया में, और हम लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेक्शन में नहीं है, और हम लोगों की सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। इसलिए इन लोगों ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी इनको एक चांस भी दे दिया। कैसे, जैसे इनका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया आ गया तो इन लोगों को ये सोचने का मौका मिल गया, क्योंकि डिवाइड एंड रूल खेला ना, तो जब ये एक तरफ हो गए तो इनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, हाँ हम लोग जो है माइनॉरिटी में हैं, बला बला हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी सुनवाई जो है वो सही टाइम से नहीं हो रही है, सही तरीके से नहीं हो रही है। इसलिए इन्होंने भी INC जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में फॉर्म करी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। कब बनी, 1906 में। कौन कौन इन्वॉल्व है, आगा खान एंड सलीमुल्ला ऑफ ढाका। ये कहाँ पर बनी थी, ढाका बांग्लादेश में बनी है, ठीक है। और किस लिए, जो बात करेगी इंडियन मुस्लिम के बारे में, फैक्टर्स फॉर दैट प्रमोट मुस्लिम लीग, और किन किन फैक्टर्स की वजह से मुस्लिम लीग बनी। तो सबसे पहले ब्रिटिश प्लान, ब्रिटिश का जो प्लान था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो उन्होंने खेली, उसकी वजह से ये बना। जब उन लोगों को सेपरेट करके जो है वहाँ से लॉर्ड कर्जन भी इनसे मिलने जा रहे हैं और इनको समझा रहे हैं, फुसला रहे हैं, बहका रहे हैं, जो भी है। लैक ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी। अगर एजुकेशन सही से इंडियंस को उस टाइम पर मिली होती, इफ़ दे हैव द आइडिया के अगर हम लोग यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर ये भी चीज़ उन्होंने उस टाइम पर पढ़ी होती ना कि एकता में ताकत है, तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है इंडिया के अंदर, और जब ये लोग एजुकेशन की कमी है तो ये यूनाइट नहीं होंगे। उसके बाद हम देखते हैं लॉस ऑफ सवर्निटी बाय मुस्लिम्स, ठीक है, सवर्निटी का जो उनको लग रहा था कि हम लोग, हमारी जो सुप्रीमनेस है वो खतरे में है, हमारे ख़त्म हो रहे हैं, हमें कोई फैसले नहीं लिए, हमारे जो फैसले हैं यहाँ पर, जो भी INC फैसला ले रही है वो सिर्फ अपने उनको ऐसा लगता था कि वो अपने बारे में बात कर रही है, यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन देने की बात नहीं हो रही, एंड ऑल दैट। एंड साथ ही साथ हम देखें तो एक्सप्रेशन ऑफ द रिलीजियस कलर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे वो रीज़न थे जिनकी वजह से स्थिति ऐसी बन गई कि मुस्लिम्स को जो है वो मुस्लिम लीग बनानी पड़ी। December 13, 1906 मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, सलीमुल्ला मुस्लिम लीग टू नेशन द सेफ गॉड ऑफ इंडियन मुस्लिम इंडिया पर। इनिशियली इट गैट ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। शुरू में मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली ब्रिटिशर्स से, बट लेकिन वन इट अडॉप्टेड द नोशन ऑफ सेल्फ रूल दैन दे गेट डेस्टिट्यूशन फ्रॉम दैम। लेकिन जल्द ही, जब तक मुस्लिम लीग ब्रिटिशर्स के साथ थी तो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ अलग, जैसे मुस्लिम लीग की शुरू में डिमांड थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए ना, हम दे देंगे आपको। लेकिन आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग भी सेल्फ रूल मांग रही है, वो भी कहती कि हाँ नहीं, जैसे INC का हमने देखा कि INC भी शुरू में ठीक थी, वो पीसफुली तरीके से चलते, लेकिन उन्होंने भी स्वदेशी को जो है बात कही या स्वराज्य की बात की कि हमें स्वराज्य चाहिए, तो इन्होंने भी स्वराज्य जैसे ही बात करना स्टार्ट कर दिया तो अंग्रेज़ों ने इनको भी निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, इनको भी कहा कि भाई मांगो, ठीक है देखेंगे तुम्हारी डिमांड क्या हो। तो यहाँ पर फिर से वही हुआ कि यहाँ पर कांग्रेस भी जो डिमांड कर रही थी, कांग्रेस की भी सुनवाई नहीं हो रही है, और मुस्लिम लीग जिसके लिए बनी, जैसे मुस्लिम लीग ने भी अपना आइडियोलॉजी चेंज कर ली, उन्होंने भी कहा कि नहीं अब हमको प्रोटेक्शन के साथ साथ सेल्फ रूल भी चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने कहा नहीं भाई साहब ये चीज़ तो हम नहीं दे सकते, उन्होंने उनको भी निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ ये उन्हीं जो ऐसी चीज़ जो ब्रिटिशर्स को मतलब उनको उनके लिए खतरा नहीं है, उनकी अथॉरिटी के लिए खतरा नहीं है, तो वो जो है वो चीज़ इनके लिए सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, अगर हम देखें तो अमृतसर सेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का, ठीक है, अमृतसर सेशन मुस्लिम लीग का 1908 में, और प्रेसिडेंट है कौन, सर सैयद अली इमाम साहब, ठीक है, सर सैयद अली इमाम साहब जो हैं इस सेशन के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर मुस्लिम्स ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, के हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। दिस वॉज कंसीडर्ड टू दैम बाई द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और ये चीज़ इनको दे भी दी गई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। तो मुस्लिम लीग ने जो डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उनकी वो डिमांड की सुनवाई या उनकी वो डिमांड पूरी कब हुई, जब ब्रिटिशर्स उनके लिए 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लेकर आए, जो बेसिकली क्या था गाइज, एक रिलीजियस डिवाइड था, याद रखिएगा, इट्स अ रिलीजियस डिवाइड, जहाँ पर सही तरीके से जो है
ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को डिवाइड किया था और इसके खिलाफ भी इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या थे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, टू प्रमोट लॉयल्टी ऑफ इंडियन मुस्लिम टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सबसे पहले ये चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के लिए और ब्रिटिशर्स से जो भी अपनी डिमांड है वो हम उनकी डिमांड पूरी करेंगे, बस मुस्लिम्स को अंग्रेज़ों के लिए लॉयल रहना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स एंड टू रिप्लेस देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन बिफोर द गवर्नमेंट, ठीक है। और मुस्लिम लीग क्या करेगी, हमेशा बात करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और अपने जो अपने उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पॉलिटिकल राइट्स को सेफगार्ड करने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ जो मुस्लिम्स कम्युनिटी की डिमांड्स हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको गवर्नमेंट के सामने लेके जाएगी। तो कांग्रेस भी तो यही कर रही थी, तो कांग्रेस लेकिन बात कर रही है इंडियन सोसाइटी की, ठीक है। टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ हॉस्टैलिटी अमंग मुस्लिम्स टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटीज़, और साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना था, टू ओवरकम करनी थी अपनी फीलिंग्स को और फीलिंग्स ऑफ हॉस्टैलिटी अमंग मुस्लिम टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटीज़, ठीक है। ये आपको पता ही है क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर देखिए अगर आप देखो तो INC के बनने का और मुस्लिम लीग के बनने का मकसद एक ही था कि ये सिंपल अपनी डिमांड्स को मनवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे इनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, शुरू शुरू में इनकी डिमांड्स सिंपल ही थी कि हमें नेशनल, जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है डिमांड कर रही है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, ऐसे ऑल दैट, और वो उनकी सुनवाई भी हो रही है। यहाँ पर मुस्लिम लीग की बात करें तो अगेन वो भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं और उनको वो मिल भी जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ हम अपने कम्युनिटी के लिए बातें करेंगे, बिल्कुल वो चीज़ भी हो जाती है इनकी। लेकिन आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही दोनों, चाहे हम मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं चाहे हम इंडियन नेशनल की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, दोनों ने जब स्वराज्य ये सेल्फ रूल मांगा तो यहाँ पर दोनों को जो है वो निग्लेक्ट कर दिया गया गाइस। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें देना चाहते थे लेकिन अभी भी वो पूरा कंट्रोल जो है वो इंडियंस के हाथ में नहीं देना चाहते थे। अगर वो ऐसा देते तो उनका जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव था, जो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज की क्लास सही लगी। इसमें कुछ नहीं है, पार्टीशन ऑफ बंगाल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब हुआ, किसने किया एंड क्या हुआ, एंड उसके बाद हमें ये पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है। स्वदेशी मूवमेंट आपने पढ़ा कि स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली क्या था, एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट इंडिया के अंदर चल रही थी जिसमें हमारे लीडर्स ने जो है लोगों को समझाने की कोशिश की कि स्वदेशी क्या है, लेकिन वो लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाए बिकॉज हम आप उसके बहुत सारे रीजंस दे सकते हो कि हाँ यहाँ पर हर किसी को जो है सेल्फ इंटरेस्ट की पड़ी हुई थी। और यहाँ पर एक और चीज़ ये हो गई कि मुस्लिम्स को लगा कि नहीं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने जो है सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। पीजेंट्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं उनके राइट्स वगैरह को जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उनकी लैंड जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो रही है। तो कैसे हम ऐसी मूवमेंट का पार्ट बने, और स्वदेशी मूवमेंट जल्द ही ये जो है मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपने पढ़ा आज की क्लास में कि किस तरीके से मुस्लिम लीग 1906 में बनी। मुस्लिम लीग ने 1908 में अपनी डिमांड रखी कि अमृतसर सेशन में कि हमें जो है क्या चाहिए भाई साहब, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ जाते हैं जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात जो है वो की गई थी। और इसके खिलाफ इंडियंस ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी कि ऐसा मत करो, आप जो है इंडियंस को बांटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में और जो आपकी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, हमारी जो कैपिटल ट्रांसफर हुई थी फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आप साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।